तो दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए होती है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। इसी इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी अब एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। दरअसल अब यहाँ पर हमारे क्लीन टेक स्टार्टअप H2E पावर सिस्टम ने डिसाइड किया है कि पुणे में वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की। बिकॉज कंपनी के MD और फाउंडर को भरोसा है कि आने वाले समय में तो ये डिमांड भारत के भीतर पूरी तरह से स्काई रॉकेट हो जाएगी। इसकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अब भारत की ये जो कंपनी है अपने आप में ही पूरे देश में सबसे ज्यादा खास है। ये कंट्री के वन ऑफ द फर्स्ट फ्यूल सेल और ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी थी, जो कि 2011 में फॉर्म हुई थी पुणे में। पुणे के अलावा फिर इन्होंने देश विदेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है स्विट्जरलैंड में, और वहीं जर्मनी में ड्रेसडन में इनकी एक फैसिलिटी है। फिर इन्होंने काफी सारी स्विस और जर्मन कंपनी को भी एक्वायर कर लिया, जैसे कि स्विट्जरलैंड की हेक्सेस AG और जर्मन की एम पावर कंपनी। फिर इनकी एक्सपर्टीज को लेकर अपनी टेक्नोलॉजी को इन्होंने और ज्यादा रिफाइन किया। फिर काफी सारी US बेस्ड जो कंपनी है वेज टू हाइड्रोजन, इनके साथ भी इन्होंने टाइप किया, और इस टाइप से इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन बनाना शुरू किया फ्रॉम वेस्ट भारत में, इन इंडिया। इन्होंने भारत को काफी सारी अच्छी अच्छी सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि भारत को दूसरी कंट्रीज की तरह कॉपी नहीं करना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पर यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक यूरोप, ये लोग स्टील इंडस्ट्री में हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं, सो भारत को भी करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एग्रीकल्चर में किस तरह से हाइड्रोजन एनर्जी का यूज कर सकते हैं, इस पर रिसर्च करनी चाहिए। इनफैक्ट इनकी खुद कंपनी H2E, ये लोग एक पायलट प्रोजेक्ट, काफी सारे इनके कुछ पायलट प्रोजेक्ट है तो वो लोग रन कर रहे हैं शुगर फैक्ट्रीज के साथ, और इस फैक्ट्रीज के साथ ये लोग कुछ एविएशन फ्यूल बनाना चाहते हैं यूजिंग को इलेक्ट्रोलाइसिस टू प्रोड्यूस साइन गैसेस। इसके अलावा ये लोग तो 100 किसानों के साथ भी काम कर रहे हैं, ताकि फ्यूल सेल ये लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी एनर्जी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर ले और कम्प्लीटली फिर ऑफ ग्रिड हो जाए, एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट। और भी कई तमाम प्रोजेक्ट में ये काफी अच्छा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। इसी में से एक है हाइड्रोजन विद नेचुरल गैस। ये लोग हाइड्रोजन को नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड करके काफी सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। होपफुली इनका टारगेट है कि 3-व्हीलर्स में भी हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड हमें देखने मिलेगा आने वाले समय में। सो भारत में इसकी काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हम इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। 2030 तक तो हमारा टारगेट है कि 15 से 20 गीगावाट की कैपेसिटी हम डेवलप कर ले हाइड्रोजन की, लेकिन ये काफी ज्यादा कम है। अगर हम दुनिया की कैपेसिटी में नजर डालें, उस समय तक तो पूरी दुनिया की एस्टिमेटेड कैपेसिटी हो जाएगी 300 गीगावाट्स की, और करेंट अवेलेबिलिटी देखें तो पूरे दुनिया में अभी मात्र 4 गीगावाट्स है। सो एक काफी मैसिव अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है यहाँ पर। अगर भारत की PLI स्कीम इसे और ज्यादा थोड़ा रिफाइन करे, हम और ज्यादा यहाँ पर सब्सिडीज दे, तो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स को हम भारत के भीतर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक बेहतरीन फुल रिफाइंड टेक्नोलॉजी है तो उन्हें भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए आराम से 6 से 8 महीने का समय लगता है, विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 to 150 crore rupees। तो इसे कैसे फास्ट किया जाए, जो पेपर वर्क है, फिर और भी काफी सारे काम होते हैं, इन्हें किस तरह से जल्द कंप्लीट कर सके, इन्हें इन पर भी फोकस करना चाहिए। और अगर भारत इन सब चीजों में काफी अच्छे से सॉर्ट आउट करने में सफल हो जाता है, तो यूरोपियन कंपनीज का अभी फिलहाल जो डोमिनेशन है पूरे हाइड्रोजन इकोसिस्टम में, उनके दबदबे को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा तो 200 कंपनीज हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए तैयार है। सो अगर भारत में ये आती है, अपने कॉम्पोनेंट्स सब चीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है, 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज इससे आपके लिए क्रिएट हो सकती है। सो काफी पोटेंशियल है भारत के भीतर इसका। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।